बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कभी नहीं देखा गया है कि विपक्षी दल में दूसरे दल के लोग विलय कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि सभी लालू प्रसाद यादव की सोच से प्रभावित है। मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी की बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। अखरोल साहब का, क्योंकि हमारे पुराने पार्टी के सदस्य रहे हैं, बीच में वो भी तो चले गए थे। नहीं नहीं, बीच में तो आरजेडी से वो भी तो गए, तो हमने ऐसी बात तो कभी नहीं की कि अतरुल साहब ने धोखा दिया, और ना हम कहना चाहते हैं कि अतरुल साहब ने धोखा दिया। हम ये भी नहीं कहना चाहते हैं कि भाई जदयू में भी थे, वो एक भाजपा के घटक दल में थे, यानी एनडीए का पार्ट थे। हम ये सब नहीं ना कह रहे हैं, हम तो उनका सम्मान करते हैं, वो तो हमारे बड़े भाई हैं। और हम आपको बता दें, जब हम पहली बार राजनीति में सक्रिय हो रहे थे, जब बिहार दौरे पे पहली बार हम निकले थे बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, तो उस समय बहुत कम लोग मेरे साथ घूमते थे, युवा के उस समय प्रदेश अध्यक्ष शिवचंद्र राम थे और राष्ट्रीय युवा के अध्यक्ष आलोक मेहता थे, और अख्तरुल इस्लाम साहब के साथ हम चार लोग जो की टीम थी, जो पूरे बिहार के दौर पे गए घूमते थे। फिर साथ तो उन्होंने छोड़ा था, तो हम जब गए तो कोई कारण तो था नहीं जाने का, तो हम इस पे तो कहना ही नहीं चाहते, तो धोखा क्या मतलब। तब हम ये कहें कि आपने भी उस वक्त आरजेडी को धोखा दिया था, आपने भी जदयू को धोखा दिया था, आप भी भाजपा के घटक दल में शामिल था, तो इतना नहीं कहना चाहते। वो बड़े भाई हैं, हम तो पूरी तरीके से उनका सम्मान करते हैं। कौन भविष्य के लिए तैयारी नहीं करता? जो भविष्य के लिए तैयारी नहीं करता उसका अस्तित्व मिट जाता है, और मिट रहा है तो क्यों नहीं तैयारी करें भाई? मतलब बड़ी पार्टी बना के झुंझुना थोड़ी ना बजाना है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और बड़ी पार्टी हम अपने आप से नहीं ना बना रहे भाई। जब बिहार का चुनाव हुआ तो जनता ने बनाया, जब बीजेपी बड़ी पार्टी हुई तो ये लोग चिंतित होगा कि भाई भाजपा कहीं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाएगी तो सेकुलर विचारधारा के लोग जो हैं उनको कहीं दिक्कत ना हो, तो ये लोग चिंतित व्यथित होकर के भाई इन्होंने खुद प्रस्ताव दिया कि आना चाहते राष्ट्रीय जनता दल में आए। इसमें तो कोई बड़ी बात तो है ना, और ये अच्छी बात है। और ये सब लोग तो पुराने घर लौटे, सब लोग पुराने पार्टी के रहे हैं, लोग विधायक रहे हैं, विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, तो इन लोगों से तो पुराना ताल्लुक तो था ही। और अख्तरुल साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी पुराना ताल्लुक है, उनको भी पहली बार विधायक राष्ट्रीय जनता दल ने ही बनाया, तो कहाँ कोई बात है।